उनकी घराली कौन माने उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। मैं कभी भी किसान के खिलाफ सोच भी नहीं सकता, किसान का बेटा हूँ, किसान की भलाई के लिए काम करता हूँ, उनके खिलाफ मेरे मुंह से कोई चीज निकल ही नहीं सकती। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, मैं कभी बोल लूंगा तो उल्टा बोल रहा है, मतलब उनकी घराली कौन माने उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। किसान नेताओं की बहन बेटियों के खिलाफ कृषि मंत्री जेपी दलाल की इस अभद्र टिप्पणी पर एक तरफ जबरदस्त बवाल मचा है तो दूसरी तरफ जेपी दलाल की ओर से पहली बार इस विवाद पर सफाई आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं और किसान के खिलाफ कुछ बोलने की बात तो दूर की है, मैं किसान के खिलाफ कुछ गलत बोलने का सोच भी नहीं सकता हूं। जी हां, कृषि मंत्री जेपी दलाल आज सोनीपत में स्वर्गीय पूर्व भाजपा सांसद किशन सिंह सांगवान की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने बयान को लेकर मचे घमासान पर सफाई दी। आपने एक बयान दिया था खाप पंचायत आपके खिलाफ लाभबंद। मैं कभी भी किसान के खिलाफ सोच भी नहीं सकता, किसान का बेटा हूँ, किसान की भलाई के लिए काम करता हूँ, उनके खिलाफ मेरे मुँह से कोई चीज निकल ही नहीं सकती। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, मैं कभी बोल लूंगा तो उल्टा बोल रहा है, मतलब उनकी घराली कौन माने उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है मैं जानू सबने, किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहू बाजरी किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। बता दें कि किसान नेताओं की बहु बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद जेपी दलाल खाप पंचायतों व किसान संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों के नेता भी जेपी दलाल के इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। खाप पंचायत और किसान संगठन जेपी दलाल के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन और पुतले जला रहे हैं और माफी मांगने की नसीहत देते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश भर में भारी बवाल के बाद अब जेपी दलाल की ओर से ये सफाई आई है कि उन्होंने किसानों के बारे में ये टिप्पणी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि क्या खापों और किसानों का गुस्सा कम होता है या फिर जेपी दलाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।